नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सेक्शन इंजीनियरिंग कैलकुलेशंस में हम लोग स्क्वायर की बात करेंगे। दोस्तों, किसी नंबर को जब उसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका स्क्वायर कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने एक एग्जाम्पल दिया गया है, वाई स्क्वायर इजकल टू वाई इंटू वाई, ए स्क्वायर इजकल टू ए इंटू ए, सिक्स स्क्वायर इजकल टू सिक्स इंटू सिक्स विच इज़ इक्वल टू 36। तो ये हमारे स्क्वायर जो है वो बेसिक नंबर को बेसिक नंबर से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका स्क्वायर आता है। दोस्तों, हमें स्क्वायर रूट भी निकालने की ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ तो हम लोगों ने एक नंबर था, उसको हमने उससे मल्टीप्लाई किया, उसका स्क्वायर निकाला। तो कभी कभी हमें कोई एक नंबर दे दिया जाता है और उसका हमें स्क्वायर रूट निकालना होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक सिंबल दिखाया गया, जो यहाँ पर ये सिंबल बनाया हुआ है। तो यहाँ पर एक स्क्वायर रूट का ये सिंबल है, इसको हम लोग इस प्रकार से प्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने वाई स्क्वायर रखा है यहाँ पर, तो वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट जो है वो हमारा वाई के बराबर आएगा। तो यहाँ पर जो वाई स्क्वायर है वो वाई इंटू वाई है, और ये इसकी वाई स्क्वायर में जो स्क्वायर है ये इसका एक्सपोनेंट है, इसकी पावर है। अब स्क्वायर रूट अगर किसी नंबर का निकालना हो तो हमें किस प्रकार से निकालना है? तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों ने एक नंबर दिया है 1 2 3 4 5 6.7 8 9 0। तो हम लोगों को करना क्या है कि डेसिमल से शुरू करके राइट हैंड साइड पे और लेफ्ट हैंड साइड पे उनके पेयर्स बनाने हैं। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो डेसिमल से शुरू करके 5 6 का एक पेयर बनाया है, 3 4 का एक पेयर बनाया है, और 1 2 का एक पेयर बनाया है। इसी प्रकार से डेसिमल के राइट हैंड साइड पे 7 8 और 9 0 इसका हम लोगों ने पेयर बनाया है। तो इसका हम लोग पेयर बना लेंगे और उसके बाद में इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो हम लोग यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर एग्जांपल है 1036.84। तो हम लोगों ने यहाँ पर इसके दो पेयर बनाए हैं, 10 का 36 का और 84 का। तो इस केस में हम लोग सबसे पहले जो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो फर्स्ट पेयर है वो हम लोग ले लेंगे। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पेयर 10 है, तो 3 × 3 9 नंबर आ रहा है जो 10 से छोटा है, तो हम लोग उसको ले लेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने 3 × 3 यहाँ पर हम लोगों ने ऊपर 3 लिख दिया तो 9 आ गया। अब 10 में से 9 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा 1 बच जाता है, और ऊपर से पूरा पेयर 36 वो हम लोगों ने यहाँ पर ले लिया। अब जो ऊपर नंबर हमारा 3 आ रहा था यहाँ पे, जो हम लोगों ने यहाँ पे 3 लिया था, हम लोगों ने उस 3 का डबल नंबर हम लोग यहाँ लिख लेंगे, वो नंबर हमारा आ गया 6। अब हम लोगों को किसी एक ऐसे नंबर को यहाँ रखना है जिससे उस नंबर को जब हम गुणा करें तो वो 136 से छोटा आए। तो अगर हम यहाँ पर 1 रखते हैं तो 61 हो जाता है, और 1 से मल्टीप्लाई करें तो 61 ही आएगा, जो काफ़ी छोटा है। अगर हम यहाँ 6 के साथ में 2 रखते हैं, जैसे कि हमने यहाँ रखा हुआ है, और 62 को जब 2 से गुणा करते हैं तो वो 124 आ रहा है, जो 136 से छोटा है। तो हम लोगों ने 124 रख दिया और यहाँ पर ऊपर 2 लिख दिया हम लोगों ने यहाँ पर। अब यहाँ पर 136 से 124 माइनस करने पर हमारा 12 बच गया नीचे, तो हम लोगों ने 12 नीचे उतार लिया, और ऊपर जो एक नेक्स्ट पेयर था 84 का वो हम लोगों ने यहाँ पे साथ में ले लिया। अब जो ऊपर नंबर था हमारा 32, उसका डबल नंबर 64 हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया। अब जिस प्रकार से हम लोगों ने पहले किया था, कोई ऐसा नंबर 64 के साथ में रखना है जिसको उसी नंबर से गुणा करने पर एग्जैक्टली या उससे कम नंबर आए। तो हम लोग 64 के साथ में जब 2 रखते हैं और 642 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 1284 आता है। तो 1284 एग्जैक्टली वही नंबर है जो हम लोगों ने ऊपर से उतारा था। तो इस प्रकार से अंडर रूट 1036.84 का आंसर हमारा 32.2 आ गया। तो इस प्रकार से हम लोग अंडर रूट निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से हम लोगों ने एक एग्जांपल और लिया है, अंडर रूट 1705.69। तो उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर पेयर्स बनाएंगे। तो हम लोगों ने 1705 और 69 तीन पेयर बना लिए। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड वाला जो फर्स्ट पेयर है 17, उसको किसी एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना जो उसी से मल्टीप्लाई करें तो उससे छोटा है। तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर 16 आता है, तो हम लोगों ने 4 यहाँ लिखा और 4 यहाँ लिख दिया। तो 16, अब 17 से 16 घटाने पर 1 बचता है, और 05 का नंबर हम लोगों ने ऊपर से ले लिया। अब
जो ऊपर नंबर 4 था, जो ये नंबर हम लोगों ने 4 लिखा था, उसका डबल नंबर हम लोगों को यहाँ लिखना है। अब इसको किसी एक ऐसे नंबर से मल्टी रखना है यहाँ पे इसके साथ में, जिससे उस नंबर को मल्टीप्लाई करें तो इससे छोटा है। तो अगर हम 8 के साथ में 2 रखते हैं तो 82 इंटू 2 164 नंबर हो जाता है, जो 105 से बड़ा है, इसलिए हम लोग 1 रखेंगे यहाँ पे। तो 81 को यहाँ रखा और 1 यहाँ लिख दिया, तो 105 में से जब 81 माइनस करेंगे 24 हमारा नीचे बच जाता है, और ऊपर से जो 69 है वो हम लोगों ने यहाँ नीचे उतार लिया। अब जो ऊपर नंबर 41 था उसका हम लोगों ने डबल नंबर यहाँ लिखना है, जो नंबर 41 था उसका डबल लिख दिया। अब इसको एक ऐसा नंबर 82 के साथ में रखना है जिससे उसी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो सेम वैल्यू या उससे कम वैल्यू है। तो हम 823, जब 3 की वैल्यू रखते हैं 82 के साथ में और 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 2469 आता है। तो इस प्रकार से अंडर रूट 1705.69 का आंसर हमारा 41.3 आता है। तो इस प्रकार से हम लोग स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है स्क्वायर रूट निकालना, और इसकी प्रैक्टिस हमें करनी होगी हमेशा। बेसिक रूल यही है और हमें इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकें। दोस्तों जब हम लोग पेयर बनाते हैं तो अगर वो पेयर नहीं बन रहा है तो हम लोग ज़ीरो लगाकर पेयर बना सकते हैं, यानी कि डेसिमल के राइट हैंड साइड पर और लेफ्ट हैंड साइड पर शुरू करना है। अब जैसे मान लीजिए डेसिमल के राइट हैंड साइड पर नंबर 0.121 दिया हुआ है, तो जब हम पेयर बनाएंगे तो 1 2 का पेयर बन जाएगा, और 1 जो रह गया तो उसके साथ में हम 0 लगा के उसका पेयर कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों को स्क्वायर रूट निकालना है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो और कुछ समझ आया हो आपको, तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंटली मिलती रहे।